बात 2011 आईपीएल के बाद की है। दिनेश कार्तिक के एक दोस्त ने सुबह सुबह उन्हें बताया कि निकिता यानी कार्तिक की पत्नी कुछ देर पहले मुरली विजय के रूम से नाइट ड्रेस में बाहर आई है। ये सुनकर गुस्साए कार्तिक ने निकिता से सवाल जवाब की, जिसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। मगर जब उन्होंने यही सवाल मुरली विजय से पूछे तो हाँ में हिलते सर ने कार्तिक के शक को सही साबित कर दिया। दोस्तों ये है कार्तिक के साइड की स्टोरी, वो स्टोरी जिसमें मुरली विजय विलेन लग रहे हैं। वो मुरली विजय जिन्होंने 30 जनवरी 2023 को जब रिटायरमेंट लिया तो क्रिकेट फैंस ने उन्हें 61 टेस्ट मैचों में 12 यादगार शतकों के साथ बनाए गए 3982 रनों से ज्यादा कार्तिक के साथ किए गए धोखे को याद किया। बहुत से फैंस ने उन्हें इंडियन क्रिकेट की सेवा करने पर थैंक यू बोलने की जगह कार्तिक को धोखा देने वाला कहकर गालियां सुनाई। विजय के रिटायरमेंट पर इस तरह का फीडबैक देखकर क्रिक माइंड को बहुत दुख हुआ, क्योंकि भले ही मुरली विजय 2018 के बाद से इंडियन टीम का हिस्सा नहीं थे, मगर 2008 में डेब्यू करने से लेकर अगले 10 सालों तक उन्होंने कई मौकों पर ऐसी यादगार पारियां खेली, जिसके चलते हर इंडियन क्रिकेट फैन को गर्व हुआ कि मुरली विजय जैसे क्रिकेटर ने इंडिया में जन्म लिया। लेकिन जब उन मुरली विजय को रिटायरमेंट पर खरी खोटी सुनने को मिली तो बतौर क्रिकेट फैन हमें बहुत बुरा लगा, लेकिन ये भी मुरली की जिंदगी की एक सच्चाई है, ये सोचकर हम शांत बैठ गए। मगर कल हम जब दिनेश कार्तिक पर एक आर्टिकल लिखने के लिए रिसर्च कर रहे थे तो कुछ ऐसी बातें सामने आई जिसने मुरली विजय की जिंदगी को देखने के लिए हमारे नजरिए को बदल कर रख दिया। इसलिए हमने सोचा क्यों ना कार्तिक और विजय की कहानी का ये पहलू भी अपने दोस्तों के सामने रखा जाए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम क्लियर कर दें कि वीडियो में बताई गई आगे की बातें कार्तिक और विजय के इंटरव्यू के अलावा कुछ रिस्पेक्टेड वेबसाइट से ली गई हैं। ऐसे में उस जानकारी के साथ सहमत होना या ना होना वो आपके ऊपर है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप इस स्टोरी के मुरली विजय वाले एंगल से भी डिसएग्री हो सकते हैं। तो दोस्तों ये कहानी जिसे अक्सर धोखेबाजी की कहानी के नाम से शुरू किया जाता है, असल में वह गलतफहमी और खराब किस्मत के प्लॉट पर बनी है। बात शुरू होती है साल 2007 में दिनेश कार्तिक और निकिता वंजारा की शादी से। वो शादी जिसे बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन के साथ अंजाम दिया गया, लेकिन कार्तिक के अकॉर्डिंग उनकी निकिता से शादी थोड़े जल्दी हो गई। उन्होंने इंटरव्यू में कहा, मैं और निकिता अच्छे दोस्त थे, लेकिन हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं या नहीं, एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हैं या नहीं, ये जाने बिना ही हम शादी के बंधन में बंध गए। सीधे सीधे कहें तो कार्तिक भी मानते हैं कि निकिता और उनमें काफी ज्यादा डिफरेंसेस थे। हालांकि शादी के कुछ सालों तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन जब 2010 के दौर में कार्तिक का करियर अच्छा नहीं चल रहा था तब उनकी फ्रस्ट्रेशन और ईगो का सबसे ज्यादा बुरा इम्पैक्ट निकिता ने ही झेला। दिनेश कार्तिक निकिता को टाइम नहीं दे पाते थे और काफी नॉर्मल ट्रीट करते थे। इस दौरान ही 2011 में मद्रास के चेपॉक में निकिता ने कुछ मैच अटेंड किया, जहां भी दिनेश कार्तिक ने अपना यही अजीबोगरीब बिहेवियर रखा। इस मुश्किल और उदास दौर में ही निकिता की मुलाकात हुई दिनेश की रणजी टीम तमिलनाडु के साथी और अच्छे दोस्त मुरली विजय से। विजय के अकॉर्डिंग शुरुआत में वो निकिता के बस फ्रेंड की वाइफ के तौर पर ट्रीट करते थे और अक्सर निकिता के लिए कार्तिक के बिहेवियर को देखकर बुरा फील करते थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ उनके और निकिता के बीच बेहतर बातचीत होने लगी, जिसके बाद निकिता और कार्तिक के बीच दूरियां बढ़ने लगी। इन सब नतीजा यह रहा कि निकिता ने डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर दी। ये वो कदम था जिसने कार्तिक को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया, जिसके बाद कार्तिक ने काफी बार निकिता पर गुस्सा किया और मुरली विजय का सर फोड़ने तक की धमकी दी। बाकी रही सही कसर चटपटी कहानी की तलाश में कुछ भी छाप देने वाली मीडिया ने पूरी कर दी। दरअसल हुआ ये कि डाइवोर्स पिटीशन के बाद मीडिया ने कई बार ये लिखा कि प्रेग्नेंट निकिता कार्तिक से शादी के बावजूद विजय का बच्चा कैरी कर रही है। यो वक्त था जब चीजें बहुत बेकार हो गई थी, लेकिन तभी एंट्री हुई बीसीसीआई ऑफिशियल्स की। बीसीसीआई पीआर कमेटी श्रीनिवासन और कृष्णाचार्य श्रीकांत ने विजय के साथ कार्तिक से भी कहा कि ये 1.5 बिलियन लोगों का देश है, इन सब की वजह से इंडियन क्रिकेट की तरफ से एक अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है, या तो ये सब खत्म करो वरना सब कुछ छोड़कर दोनों क्लब क्रिकेट खेलना शुरू कर दो। बीसीसीआई की इस इंटरफेरेंस का असर ये रहा कि विजय और कार्तिक ने म्यूचुअल डिफरेंस खत्म किए और आगे के सब फैसले निकिता पर छोड़े, क्योंकि विजय और कार्तिक के नाम पर सब हमेशा भूल जाते हैं कि निकिता भी एक व्यक्तित्व है। मेल्स की पावर डायनामिक्स में निकिता हमेशा एक ऑब्जेक्ट के तौर पर देखी गई, लेकिन जब चीजें बेहतर हुई तो निकिता ने भी सामने आकर अपनी सारी बात रखी और कहा कि विजय के साथ आने का फैसला मेरा था, कार्तिक के साथ मैं शादी के बाद कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, उस दौरान मुझे बहुत अकेला और हर्ट फील कराया गया, लेकिन इन सब दूरी के बावजूद भी कार्तिक ने मुझे कभी भी फिजिकली हर्ट नहीं किया। तो दोस्तों ये है कार्तिक विजय और निकिता की स्टोरी तीनों एंगल से, जिसे पूरी तरह से समझने के बाद हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकते हैं कि कार्तिक और निकिता के डाइवोर्स ने एक नहीं तीन जिंदगियां सुधार दी, क्योंकि मुरली और निकिता आज एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। तो दिनेश को भी दीपिका पल्लिकल जैसी बेस्ट पार्टनर मिल चुकी है। वैसे इस बात से दिनेश भी एग्री करते हैं, उन्होंने एक बार कहा था कि निकिता ने जो किया वो उसका अपना फैसला था और वो बिल्कुल सही था। हाँ,
बस चीजें जिस तरीके से हुई वो गलत थी। बाकी आखिर में बात अगर विजय और कार्तिक के रिश्तों की करें तो अब काफी बेहतर सिचुएशन में है। रिसेंटली अश्विन ने बताया था कि एक बार वो विजय और कार्तिक के साथ बैठे थे, तब विजय और कार्तिक एक दूसरे से बात करने में इतने ज्यादा इंक्लूड हो गए कि मैं अनकंफर्टेबल होकर बाहर चला गया। वो पुराने दोस्त की तरह बात करते हैं। तो दोस्तों, इस पूरी रिसर्च के दौरान हमने यही पाया कि पहले जो भी था विजय और कार्तिक के बीच अब वो नहीं है। इसलिए बतौर क्रिकेट फैन हमें भी विजय को एज ए क्रिकेटर ही प्रेज करना चाहिए, ना कि उनकी पर्सनल लाइफ को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। आप हमारी बातों से कितने सहमत हैं, कितने असहमत हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हों तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। मिलता है आपसे अगले वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।